दोस्तों इस वीडियो मैच जो कवर करने वाले हैं जो कि बर्फ मैच खेला जाएगा। बहुत से लोग मतलब बोलती है इस मैच को कवर करने के लिए, हालांकि मैं तो ये वाला मैच फिर फेक किया था, लेकिन देखो ये वीडियो अपलोडिंग पे भी है। देखो ये अपलोड हो रहा है वीडियो, तो आप इसका वीडियो जाके देख लेना। ये सबसे बेस्ट मैच रहेगा इन दोनों से ही, लेकिन बहुत से लोग बोलने लगते कि ये मैच कवर करने के लिए क्योंकि बर्फ मैचेस है और मैं अच्छी टीम भी देता हूँ बर्फ मैचेस की। हालांकि मैं प्रेफर करूंगा ऐसे मैचेस स्मॉल लीग ना ही खेलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कोशिश करना कि ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग खेले, क्योंकि ये मैचेस बहुत रिस्की होता है। वार ऑफ मैचेस का मतलब है कि ये ना ये एक मतलब प्रैक्टिस मैच है, और ऐसे मैचेस में सीनियर प्लेयर्स कम खेलते हैं। और जरूरी नहीं कि लाइनअप मतलब कि यहाँ पे प्लेइंग अनाउंस होता है, लाइनअप से अनाउंस होता है। इधर से 15 प्लेयर्स खेल सकते हैं, इधर से भी 15 प्लेयर्स खेल सकते, इधर से 12 खेल सकते, इधर से 14 खेल सकते, ऐसे होता है ये। इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि प्रैक्टिस है, कोई प्रोफेशनल मैच नहीं है कि ये बैटिंग ऑर्डर भी कंफर्म होगा और ऐसा कुछ भी नहीं। प्रोफेशनल मैच है ही नहीं है, प्रैक्टिस है। इस चीज का ध्यान रखिए। वन ऑफ में हो सकता है मैं दोनों मैचेस ही कवर करूं, तो फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चाहे जूस से ज्वाइन कराया, टेलीग्राम चाहे ज्वाइन करते हो। हालांकि कोई भी बैटिंग ऑर्डर आपको प्रोवाइड नहीं करता और प्लेइंग प्रोवाइड नहीं करता है, बट मैं कोशिश करता हूँ अपने यूजर्स को जूस से हर एक चीज प्रोवाइड करूँ। इसीलिए टेलीग्राम चाहे जूस से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, उस पर टैप करके टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स से जो लिंक है ना उस पर अगर टैप करके ज्वाइन करते हो, मैं पिन कर दिया हूँ लिंक, उस पर टैप करके ज्वाइन करते हो सीधा चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर ज्वाइन ऑल बटन दबा के ज्वाइन कर लोगे, सिंपली आप चैनल ज्वाइन कर लोगे। तो टेलीग्राम चैनल जो उसे ज्वाइन कर लेना। फाइनल तो कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर पर शेयर करता हूँ और साथ ही साथ फाइनल टीम यहीं पर शेयर करता हूँ, ड्रीम टीम। तो टेलीग्राम चैनल जो उसे ज्वाइन कर लेना, फेक मत ज्वाइन करना। कमेंट बॉक्स लिंक है उस पर टैप कर ज्वाइन, अगर सर्च करना तो सर्च करना ऐप 11 टीम, ऐप 11 टीम लिखोगे ना इस तरीके से ऐप 11 टीम, तो चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। तो जोर से ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल भी मिस मत करना ऐसे मैचेस से। 33,700 से ज्यादा लोग जब तक आ पाओगे, 35,000 भी हो सकते हैं। तो ये जो मैच खेला जाएगा, पहली बात तो अगर आप स्टार्ट देख के ऐसे मैचेस से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये बोल रहा हूँ सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो ऐसे मैचेस में। क्योंकि देखो प्रैक्टिस मैच है, जिसका स्टार्ट देखोगे वो कोई काम आएगा नहीं। आप लोग सीनियर प्लेयर के स्टार्ट देखोगे, हर एक प्लेयर के स्टार्ट देखोगे और वो सभी याद आपको रहेंगे भी नहीं। मैं प्रेफर करूंगा कि ऐसे मैचेस में सीधा प्लेयर वाइज एनालिसिस फॉलो करो और सीधा सीधा आप मतलब लास्ट मैच के स्कोर कार्ड से टीम बनाओ, अच्छा रहेगा। मैं लास्ट मैच के स्कोर कार्ड से भी टीम नहीं देता, बट अभी दे रहा हूँ, देना पड़ रहा है। तो अभी हम कवर कर रहे हैं इंग्लैंड और बांग्लादेश के वीडियो है। इंग्लैंड और बांग्लादेश, इंग्लैंड क्योंकि खेल के आ रहे हैं लास्ट मैच, बांग्लादेश जो कि श्रीलंका के साथ खेल के आ रहे हैं, इंग्लैंड जो कि इनका मैच खेला ही नहीं गया था, अपने इंडिया के साथ मैच था, वो भी गुवाहाटी में मैच चल रहे हैं, ठीक ना। ये आज भी गुवाहाटी में ही मैच खेला जा रहा है, तो अच्छी बात है। इसे कोई दिखा, हम एक बार देख लेते हैं बांग्लादेश का क्या हाल चाल है। जनरली ऐसे मैचेस देखो सीधा सीधा अपना कोशिश क्या करो कि ऐसे मैचेस में आप मतलब कि एक ऐसी टीम क्रिएट किया करो ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग की, जो कि बहुत रिस्की हो, क्योंकि ऐसे मैचेस रिस्क ही काम आता है। सेफ खेलोगे उसकी बैटिंग ही नहीं आएगी, वो परफॉर्म ही नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो बांग्लादेश की टीम से वही बैटिंग ऑर्डर चेंजेस हो चुका है, आप खुद भी इसे देख सकते हो। ज्यादा चेंजेस तो नहीं है, बट एक दो चेंजेस इनके हो रखे। अब टीम से तंजीद हासन ओपन करने आए थे, हालांकि ज्यादा मैचेस से नहीं खेले थे इसलिए इसे ओपन कराया गया। 84 रन स्कोर भी किए थे। लिटिन दास जो कि रिसेंटली कुछ खास फॉर्म में नहीं थे, बट लास्ट अच्छे फॉर्म में आ गए थे। मेहदी हसन मिराज, मैंने बोला था वरना बैटिंग करने आएगा ये बंदा, कैप्टन करके चलना, और ये टीम से वरना बैटिंग करने भी आए थे। हॉरिडे जो कि फोन बैटिंग किया था, 50 ओवर गेम है, ड्रॉप नहीं कर सकता मैं, लेकिन अगर पहले बैटिंग तो गलती से भी ड्रॉप शायद मतलब था, इनफॉर्म प्लेयर है, बट लास्ट जो टकआउट हो गया था। मुस्तफा उसके अलावा मुस्तफ़ी के रहीम भी अवेलेबल है, जो कि विकेट कीपिंग करेंगे प्लस कैप्टनसी भी अच्छी करते हैं टीम दल से, नो डाउट। तो कवर करके चलना रहीम को। तो इनका बैटिंग ऑर्डर है, लास्ट मैच वैसे भी ये विन करके आ रहे बांग्लादेश भाई। उसके लिए पावर प्ले देख लेते हैं। टास्किन अहमद 7 ओवर बॉलिंग किया लेकिन टीम से कुछ नहीं किया। उसके अलावा देखोगे तनीजा हासन जो कि टीम दल से 5 ओवर बॉलिंग की प्लस 1 विकेट लेके गया। सैफुल इस्लाम देखा, वही हुआ ना मैंने बोला था ना कि ऐसे मैचेस में क्या होता है, ये देखो बैटिंग ऑर्डर में खुद से देखो, साकिब हसन से कुछ नहीं कराया ना गया, इसलिए बोलते हैं ऐसे मैचेस रिस्की रहता है यार। क्योंकि देखो ऐसे मैचेस उनको चांस दिया जाता है जो बहुत कम मैचेस खेलते हैं, उस टीम के अगेंस्ट वाले खेलने का उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। साकिब हसन बॉलिंग नहीं किया ना बैटिंग किया, मैंने बोला था सब उनके कैप्टन करके चले थे भाई, मैंने बोला था भाई उससे होप ही मत करना उस बंदे से, इसलिए मैंने बोला था। अब हो सकता है साकिब हसन बॉलिंग कर भी रहे तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला ये मैच मैचेस रहता है, इससे अच्छा वुमेन मैच खेल लो यार, ऐसे मैचेस कवर करने का मूड भी नहीं रहता है। देखा ना स्टार्ट्स भी आपको कोई काम नहीं आता उस समय, क्योंकि पहले मैं आपको रूल बता चुका, कोई भी कहीं भी बैटिंग करने आ सकता है, कोई भी कितना अमाउंट में बॉलिंग कर सकता है, और इसके साथ ज्यादातर ऐसे मैचेस में उन लोगों उनको पिक करना जिसके सिलेक्शन ना के बराबर हो, क्योंकि वही लोग ऐसे मैचेस से काम आते हैं। कहाँ गया मैच ही रहा इंग्लैंड और बांग्लादेश का, ऐसा मतलब कि मैं बोला था साकिल से टीम से कुछ नहीं करेगा, लिटरली वही हुआ। बात करें विकेट कीपर सेक्शन की, उससे पहले देखो हर एक प्लेयर खेल रहा है, हर एक प्लेयर खेल रहा है, मैंने बोला ना स्क्वाड खेलता है आपको, बाकी लोग देखो जो प्लेयर नहीं खेलते उसको पिक मत क्या करो, उसको पिक मत करना, बट हाँ जो खेल रहे हैं उनका मतलब कि लाइनअप आता है, ठीक है, कोई 11 प्लेयर्स नहीं खेलते इसी तरह।
विकेट कीपर सेशन लेकर उससे पहले उस वीडियो को जूस लाइक कर देना यार, ऐसे मैचेस कवर कर मोटिवेशन मिलता है, प्लीज वीडियो जूस लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब को ऑफिस सेक्टर से आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। बात कर विकेट कीपर सेशन, देखो वही है जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो वगैरह हो सकता है जॉस बटलर को चांस ना मिले, जॉनी बेस्टो को चांस मिले क्योंकि विकेट कीपिंग अच्छी करते ये, हालांकि जॉस बटलर नो डाउट अच्छे प्लेयर है लेकिन जॉनी को चांस देना चाहिए क्योंकि ये ना प्रैक्टिस मैच है तो मे भी जॉनी ओपन करने भी आए, ऐसा हो सकता है। तो अगर आप चाहो तो जॉनी को भी पिक कर सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से जॉनी, भले लास्ट मैच नहीं खेला हो बट हाँ मेरे हिसाब से जॉनी में भी अच्छा ऑप्शन है। ऐसे कोई अपडेट तो नहीं था इन लोगों के खिलाफ, प्लेइंग 11 में देखोगे डेविड मलान जॉनी ओपन, देखा मैंने बोला ना जॉनी ओपन करेगा, तो ये से प्लेइंग 11 नहीं है, लाइनअप से 11 से ज़्यादा प्लेयर्स है, खुद भी गिन लो, इधर से 13 भी हो सकते इधर से 12 भी हो सकते, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं जॉनी के साथ जा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल रिस्क है। उसके अलावा बेन स्टॉक्स अगर नहीं खेल रहा है तो नहीं पिक करना गलती से भी, मैं सोचना कि खेलेगा नहीं, अगर ये ना अगर इसके ऊपर कोई अगर ऐसा नहीं है ग्रीन डॉट नहीं है तो इसको पिक करने का कोई सेंस नहीं बनता। जो रूट वगैरह पिक कर सकते हो, टेस्ट मैच के स्टार प्लेयर है, हो सकता है वरना बैटिंग लिखा गया है तो वरना बैटिंग कर भी सकता है। डेविड मलान जो कि मैं कवर करना प्रेफर करूंगा, ओपन करेगा मलान में जल्दी नहीं कवर करके चलता हूँ। उसके अलावा नीचे हॉरिडे है, टी हासन है जो कि टीम से लास्ट मैच हुए, इस बंदे ने तंजीद हासन ने 84 रन मारा था क्या, हाँ यही मारा था टीम से, तो चाहो तो कवर कर सकते हो लेकिन जो निहान मैच यही मार के जाएगा, इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं कवर कर रहा हूँ जो रूट को जो कि टीम से वरना बैटिंग लिखा गया है, देखते हैं वरना बैटिंग कर लेगा टीम से अगर वरना बैटिंग लिखा हुआ है तो। हैरी ब्रुक वगैरह भी है, हैरी ब्रुक से तो खूब कम ही रहता है, आप चाहो तो सेंटो को या फिर ट्राई कर सकते हो टी हासन को। उसके अलावा साकिब अल हसन इंपॉर्टेंट है, प्लस जॉनी को कवर करके चलते हैं। लिटिन दास अच्छे ऑप्शन देंगे, लिटिन देखो स्मॉल लीग मत खेलो, ग्रैली खेलो, लिटिन दास को ट्राई करो, आप रहीम को ट्राई करो, इन सबको ट्राई करते रहो ग्रैलिटी में, जो रूट डेविड मलान ये सब इंपॉर्टेंट है, साकिब अल हसन 74% लोग ट्राई कर रहे हैं, होप करके कुछ करेंगे, हाँ आज इंग्लैंड है सामने कुछ कर भी सकते हैं, सामने स्ट्रॉन्ग टीम है तो साकिब को चल भी सकते हैं, सामने श्रीलंका इसलिए थोड़ा सा लोग थोड़ा सा चेंजेस कर लिए, देखो सकते साकिब आज चल भी जाए और नहीं भी हो सकता है चले, तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क है लेकिन इसलिए पिक कर रहा हूँ कि बहुत लोग कैप्टन होगा, अगर ये बंदा आ गया वनडा बैटिंग करने तो मार लेगा, इसलिए वनडा बैटिंग करने के हिसाब से मैं पिक कर रहा हूँ। मेहदी हसन मिराज कन्फर्म वनडा बैटिंग करेगा, अगर साकिब वनडा बैटिंग नहीं करने आएंगे तो। लियाम लिविंगस्टन अच्छे है, सैम करन भी अच्छे है, नो डाउट इन सबको भी कवर कर सकते हो। लिविंगस्टन का क्या है यार, लिविंगस्टन टीम द सेट जॉस बटलर के बाद है, तो अगर चाहो तो लिविंगस्टन वगैरह को भी कवर कर सकते हो, फिलहाल साइड रखते हैं। उसके अलावा सबसे पहले मार्क वुड में प्रेफर करूंगा, आदिल राशिद प्रेफर करूंगा, डेविड विली भी एक अच्छे ऑप्शन है ऐसे मैचेस से, रेस ट्रॉपली भी अच्छे रहेंगे, एंडिक सोन भी सभी के सभी है अवेलेबल यार, तो जैसे कोर की तरफ अमाउंट है बॉलिंग करेगा ये भी देखना पड़ेगा, तो मैं कवर कर रहा हूँ फिलहाल के लिए मुस्तफिजुर रहमान को चूंकि बहुत कम मैचेस खेले इसलिए कवर कर रहा हूँ। टास्किन अहमद भी अच्छे रहेंगे, एस इस्लाम भी है, डेविड विली को मैं कवर करूँ क्योंकि बहुत कम मैचेस खेले, रेस ट्रॉपली को भी कवर कर रहा हूँ, और एक जो फाइनल प्लेयर लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है साकिब को मैं पिक कर चुका हूँ, इसलिए पिक है वो सामने स्ट्रॉन्ग टीम है तो इसकी बैटिंग हो सकता है आज प्रमोट हो जाए, प्लस हो सकता है कि बॉलिंग भी करें क्योंकि सामने कमजोर टीम नहीं है। तो आप चाहो तो 11 प्लेयर टास्किन अहमद पिक कर लो, लिविंगस्टन पिक कर लो, करण को पिक कर लो, किसी को पिक कर दो, आई नो सैम करन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन देंगे, ओवरऑल टीम बन चुकी है अब, ऐसी टीम जो बना है ना 8-3 का कॉम्बिनेशन बन गया, बट यही टीम परफेक्ट है, जो रूट अगर वरना बैठे तो एक काफी परफेक्ट सा टीम रहेगा। जॉनी इसलिए आप चाहो तो जॉस बटलर को पिक कर सकते हो, बटलर को मुझे आज कमजोर टीम सामने तो उतना कुछ करेंगे बटलर, जॉनी संभाल सकता है, जो रूट संभाल सकता है, डेविड मलान संभाल सकता है, लियाम लिंगस्टन वगैरह भी है तो उन सबको, लियाम लिंगस्टन को भी कवर कर सकते हो सैम करन की जगह पे, बट करन को इसलिए पिक किया हूँ कि बंदा कुछ भी डैमेज कर देता है टीम को। कैप्टन कैप्टन साकिब तो उतना मैं प्रेफर नहीं करूँ, बट मेहदी हसन मिराज कन्फर्म वरना बैटिंग किया इसलिए कैप्टन जा रहा हूँ, वाइस कैप्टन जॉनी के साथ जा सकते हो, फिर डेविड मलान के साथ जा सकते हो या फिर मार्क वुड वगैरह को ट्राई कर सकते हो, अपना वाइस कैप्टन मैं जॉनी के साथ जा रहा हूँ, हालांकि भले विकेट कीपरी नहीं कर रहा, बहुत दिन बाद खेल रहा है, बहुत बड़ा रिस्क है लेकिन रिस्क लेके खेल रहा हूँ, स्मॉल लीग टीम है लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता आप स्मॉल लीग खेलो, एटलीस्ट आप मिनी ग्रैंड लीग वगैरह तो जोर से खेल लिया करो, इस टीम के साथ आप कोशिश करो कि जो विकेट कीपर से उनको सीबीसी रोटेट करो, आप कोशिश करो ऐसे प्लेयर्स को पिक करें जिसका सिलेक्शन ना के बराबर हो, वो सब ऐसे मैचेस से ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं, तो ग्रैनी वगैरह खेला स्मॉल की टीम है और साकिब को नहीं किया वो कैप्टन, बहुत लोग ये है लेकिन मैं इसे पिक करके चल रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। बाकी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, बाकी स्मॉल की टीम है, मैं मिलता हूँ टेलीग्राम पे कन्फर्म फाइनल टीम के साथ। अभी सेम जगह कॉन्टेस्ट बुक कर दो, चलिए आप एक्टिव रहना, फाइनल टीम आपको यहीं पे शेयर करूंगा, कमेंट बॉक्स से लिंक पिन है।